एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित बुझिया गांव पड़ा। लगभग 3800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान ओम प्रकाश हैं। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में 120 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 14 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, प्राइमरी स्कूल में शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, पार्क, कब्रिस्तान, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 130 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जिया ग्राम पंचायत में प्रधान बोल रहा हूँ और कुछ शीशियाँ हमने डरवा रखी हैं, कुछ और मांग है शीशियाँ की और खरंजिया कुछ डरवा रखे हैं और बाकी शौचालय नहीं बने पाए हमारे यहाँ। शौचालय बनने की मांग है हमारी और शौचालय बनना जरूरी है। शौचालय स्कूल में बन रहा है राट बा और बुजिया में तो दो नाले बनवा दिए और दो तीन खंजा डरवा दिए और बाकी कुछ रिबोर करा दिए और आगे आगे काम की मांग कर रहे हैं। वो हमारा काम होना चाहिए। ये खमड़िया पुलिया से लेके बुजिया तक मंदिर तक हमें वो रोड बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है और ये रोड अभी तक नहीं बन पाया। वो रोड हमें बनवाना है और जल्दी जल्दी आ जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्दी जल्दी हमें रास्ता सुधर जाए। है, मैं ग्राम बुजिया का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान ओम प्रकाश जी हैं और उनके प्रधान होने से काम अच्छा हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है और उन्होंने बहुत कोशिश के अनुसार खम्भे की व्यवस्था कराई है। बिजली की बारे में दौड़ भाग कर रहे हैं मगर उनकी कुछ सुनवाई हो नहीं पा रही है। उनका हमारी ये अनुरोध है उनसे कि उनकी कोई सहायता करें। मोदी जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ ज़रूर देख रेख करें बिजली विभाग के बारे में और उन्होंने लाइट की भी पूरी करवाई है और लाइट भी लगवाई है। बिजली के तारों की समस्या ज़्यादा है, कुछ खंभे टूटे पड़े हैं, उनने इसके बारे में बताया है।